हाय फ्रेंड, वेलकम टू एक्स्ट्रा ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप एमएस वर्ड पर लाइन स्पेस को कम करके आप दो शीट के पेज को एक शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाइन स्पेस को कम करने के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप कम से कम लाइन स्पेस में अधिक से अधिक टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने डेस्कटॉप पर अपना एमएस वर्ड जो है ओपन कर लेंगे। दोस्तों, ओपन करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का टेक्स्ट दिखने लगेगा। तो दोस्तों, जैसे कि हमने एक लेटर लिख रखा है, तो ये हमारा दो पेज में आ रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारा पेज टू है एंड ये पेज हमारा वन है। तो दोस्तों, इसे हम कैसे इतने सारे जो टेक्स्ट हैं दोस्तों, हम इसी पेज में लाना चाहते हैं। तो दोस्तों, लाइन स्पेस को कम करके हम इससे ला सकते हैं। साथ ही साथ हम कुछ मार्जिन को भी कम करेंगे जिससे हमारा ये जो टेक्स्ट बचा हुआ है ये हमारा एक पेज पे आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने जो मार्जिन है उसको थोड़ा कम कर लेंगे। जैसे कि जो हेडर है दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा हम उसको अप कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस जगह पर ये मेरा कर्सर जहाँ पर दिख रहा है, यहाँ हम इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जिससे हमारा थोड़ा सा मार्जिन और नीचे की ओर बन जाए। तो दोस्तों, जैसे हम ऊपर किए हैं वैसे नीचे भी कर लेते हैं इस यहाँ पर दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ इस तरह से इसे भी कम कर लेना है, पूरा माइनस में थोड़ा सा अपन रख लेंगे मार्जिन, जो कि पेपर में जब प्रिंट होगा तो पेज यानी कि जो अपना टेक्स्ट है दोस्तों, ये जो बॉर्डर को क्रॉस ना करें और हमारा पूरा जो है दोस्तों आ जाए। तो दोस्तों, देखिए ये हमारा कुछ हद तक ये ऊपर चला गया है एंड ये जो बचा हुआ है दोस्तों, ये भी हम नीचे ला लेते हैं, जो सेकंड पेज पे वो हमें फर्स्ट पेज पर ला लेते हैं। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, ऐसे करके हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं जिसे हमें पे यानी कि लाइन स्पेस को कम करना है। तो हमें सबसे पहले इस तरह सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लाइन स्पेस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर जो दोस्तों 1.5 mm जो स्पेस है उसे हमें 1 point में स्पेस को कर लेना है। तो दोस्तों, देखिए थोड़ा सा यहाँ स्पेस कम हुआ है। तो दोस्तों, ये इससे अगर हम और भी कम कर सकते हैं तो दोस्तों इसे पे और एक बार क्लिक कर लेना है इस तरह से एंड नीचे देखेंगे दोस्तों रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो दोस्तों, जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कितने स्पेस को कम कर देता है एंड आप यहाँ पर काफ़ी सारे जो टेक्स्ट और भी लिख सकते हैं एक ही पेज पर। तो दोस्तों, इसे जो ये स्पेस दिख रहा है इसे भी हम कम कर लेते हैं। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ दोस्तों इस तरह से। तो दोस्तों, इसे भी कम कर लेते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा स्पेस दिख रहा है यानी कि कम हो गया। तो इसे हम एक बार इस तरह से बढ़ा लेंगे। ओके, तो गाइस यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस है, यहाँ भी थोड़ा कम कर लेते हैं इस तरह से एंड ये भी थोड़ा कम कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, हमें इस तरह से कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ भी इस तरह से कम कर लेते हैं, ये कुछ हद तक कम हो जाता है एंड उसके बाद यहाँ भी ऐसे करके दोस्तों हम कम कर लेंगे, यहाँ पर 1 mm करके सेट कर लेंगे। तो ये थोड़ा हमारा स्पेस देखिए काफ़ी हद तक बनने लगा है। तो दोस्तों, यहाँ भी एक कट कर लेते हैं एंड इसे भी हम सेट करके लाइन स्पेस को रिमूव कर देंगे, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो देखिए ये छोटे से एरिया पर इतना सारा टेक्स्ट आ जाता है। तो दोस्तों, नीचे काफ़ी अपना स्पेस बन चुका है। अब यहाँ पर अगर आप कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं आप बड़ी आसानी से। जैसे कि इतना मैं और एक बार यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक पैराग्राफ मैं और एक डाल सकता हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों, इतना इसके बाद और भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। तो इतना स्पेस हम बना चुके हैं यहाँ पर लाइन स्पेस को कम करके। तो दोस्तों, एक ही पेज पर लाइन स्पेस को कम करके आप काफ़ी सारे टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो दोस्तों, लाइन स्पेस को मैनेज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपका टेक्स्ट बड़ा हो। तो जैसे कि हमने देखा लाइन स्पेस को कैसे कम किए, तो ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आप यूज़ कर सकते हैं इसे भी। तो इसी के साथ मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि अगर आप कोई भी टाइप करते हैं टेक्स्ट या मैसेज या लेटर, तो उसके बाद आपका कोई मिस्टेक हो जाता है तो उसे आपको चेंज करना है। तो अगर आप इसे जैसे कि आप इस यहाँ पर हैव लिखा है, तो यहाँ पर आप एक एक जगह पर हैव ढूंढते हुए आप इसके तो दोस्तों आप क्या करेंगे, जो एक एक जगह पर हैव नहीं ढूंढेंगे, जैसे कि यहाँ हैव है, यहाँ हैव है एंड ऐसे सब जगह पर आप नहीं ढूंढेंगे, जैसे यहाँ भी हैव है। तो दोस्तों, आप क्या करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक है दोस्तों,
आपको जो भी ये हैव को चेंज करना है तो आप क्या करेंगे सिंपली, जैसे कि मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर क्या करेंगे आप एक एक हैव को इस तरह से नहीं ढूंढेंगे। तो दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो शॉर्टकट की है दोस्तों, कंट्रोल एफ दबाएंगे दोस्तों, एंड यहाँ पर हैव सेलेक्ट करेंगे एंड फाइंड करेंगे। तो दोस्तों ये हैव आ गया, एंड उसके बाद और एक बार करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों ये एक हैव आ गया, उसके बाद फिर से सेलेक्ट करेंगे तो ये एक हैव आ गया। तो दोस्तों सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर आपको कंट्रोल एफ दबाकर और आपको कोई भी टेक्स्ट यानी कि जो भी है सर्च करना है तो आप यहाँ पर सिंपली टाइप कर लेंगे, एंड उसके बाद यहाँ देख सकते हैं दोस्तों रिप्लेस का बटन है, तो रिप्लेस के जगह पर हैव लिख देंगे, एंड रिप्लेस विथ में जो भी आपको टेक्स्ट यहाँ पर चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मैं कर देता हूँ SANJEET, तो जैसे कि मेरा नाम ये, तो मैं यहाँ पर हैव के जगह मेरा नाम लिखना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हैव सेलेक्ट हो गया तो आप रिप्लेस बटन पर रिप्लेस दबा देंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर रिप्लेस हो चुका है, यहाँ पर मेरा नाम आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा नाम आ चुका है, मैंने कोई भी यहाँ टाइप नहीं किया है, सिंपली यहाँ पर हैव दबाना है, एंड यहाँ पर आपको जो भी चेंज करना है, रिप्लेस करना है हैव की जगह, तो सिंपली आ जाता है। तो दोस्तों और एक बार कर लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट दबाएंगे, ये एक हैव यहाँ पर आ जाता है, एंड उसके बाद रिप्लेस के बटन पर रिप्लेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरा नाम आ चुका है। और इसी तरह से रिप्लेस ऑल करेंगे तो सभी जगह पर मेरा नाम आ जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एंड यहाँ पर, दोस्तों यहाँ पर भी मेरा नाम आ चुका है। तो गाइस आप क्या करेंगे, इस तरह से शॉर्टकट की दबाकर कंट्रोल एफ दबाकर आप किसी भी टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं तो फाइंड में जाएंगे, पहले तो खोज लेंगे, अगर नहीं खोजना है आपको तो सिंपली क्या करेंगे, आपको चेंज करना है, आप जानते हैं कि मुझे चेंज ही करना है, तो आप क्या करेंगे सिंपली यहाँ पर फाइंड व्हाट में आप जो भी ये यहाँ पर लिख लेंगे, एंड उसके बाद जो आप टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं यहाँ पर लिख लेंगे, एंड उसके बाद रिप्लेस के बटन पर रिप्लेस करेंगे तो ये सिंपली रिप्लेस हो जाता है। तो दोस्तों ये ट्रिक भी काफ़ी अच्छा है, साथ ही साथ लाइन स्पेस को कम करना भी आपने सीख चुका है। और दोस्तों वीडियो के साथ बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा दोस्तों, एंड हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।